वेलकम फ्रेंड्स टू दी कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक रूमर के बारे में जो ऑफकोर्स कैनन वाइज वेबसाइट के थ्रू निकला है, और उन्होंने ये मेंशन करा है कि भैया कैनन का आने वाला फ्यूचर मिररलेस कैमरा APS-C मिररलेस कैमरा, ये चीज़ मैं आपको पहले से बता दूँ, दे आर टॉकिंग अबाउट APS-C मिररलेस कैमरा विथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब साफ है कि उनके मुताबिक ही 8K कैपेबल APS-C मिररलेस कैमरा कैनन की तरफ से आ सकता है। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऑलरेडी दे हैव अनाउंस्ड अ फुल फ्रेम 8K कैपेबल कैमरा। तो अब नेक्स्ट स्टेप तो यही कि भैया अगर उन्हें कोई फ्लैगशिप APS-C मिररलेस कैमरा लॉन्च करना है तो कहीं ना कहीं कुछ एक कैपेबिलिटी तो मिक्स मैच करनी ही होगी। सो लिटरली देखो, सबसे पहले ही बात करते हैं, जिस वक्त 5D 2 इंट्रोड्यूस हुआ था Mark II विथ फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी, उस समय फुल HD को लेके ही तहलका मच गया था कि भाई इतना अच्छा सिनेमा कैमरा आ गया एक DSLR फुल फ्रेम DSLR बॉडी के अंदर। बट अगर धीरे धीरे आप एवोल्यूशन को देखो, यहाँ पर अब हमारे पास R5 कैमरा विथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी, वी हैव द Alpha A1 विथ 8K, वी हैव द Nikon Z9 विथ 8K। सो यहाँ पर आप धीरे धीरे कैमरों की भीड़ लगती जा रही है। तो यही होता है मेरे दोस्त, आज से 4-5 साल बाद अपने APS-C मिररलेस कैमरों की भीड़ लग जाएगी जिनके पास 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी होगी, और उस वक्त कहीं ना कहीं कैनन ने अगर इंट्रोड्यूस नहीं भी किया तो उनकी मजबूरी रहेगी कि वो 8K अपने APS-C मिररलेस बॉडीज के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर दें अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो। बट लेने के बाद ये आ जाती है, अगर हम रूमर्स पर ध्यान दें, अगर ऐसा रूमर्स आया है तो उनके मुताबिक ये कैमरा थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, 4-5 साल बाद तो भैया सभी ले आएंगे, बट क्या 2022 में हमें कैनन का एक 8K APS-C मिररलेस कैमरा देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द रूमर के बारे में बात कर ले कि भैया ये जो रूमर है वो कितना खुद में क्रेडिबल है। ऑफकोर्स 8K APS-C मिररलेस कैमरा आएगा या नहीं आएगा वो अलग बात है, बट लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रूमर और कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो द रूमर इज कमिंग फ्रॉम कैनन वॉच वेबसाइट, और ये ही चीज़ अगर कैनन रूमर कहते सो लिटरली 90% तो भैया कन्फर्मेशन मिल जाती उनके कहते हैं, क्योंकि अभी के पिछले 6 महीने या 8 महीने या 1 साल के रिकॉर्ड उनके निकाल के देख लो, वो तो बहुत ही सही जा रहे हैं, हर एक खेल वो सही खेल रहे हैं। बट राइट नाउ इट्स बीइंग टोल्ड बाय द कैनन वॉच वेबसाइट, तो यहाँ पर 50-50 का बात चलता है कि भैया कुछ एक चीज़ें सही भी हो सकती गलत भी हो सकती। बट यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखना है कि फ्यूजी का XH2 कैमरा आने वाला है, फ्यूजी का खुद का एक APS-C सिनेमा कैमरा XH लाइनअप, जो काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं हुई थी, उनका अपडेट अब आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड या नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा हमारे सामने विथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। ये बात बहुत ही क्लियर है कि द XH2 कैमरा इज कमिंग विथ अ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। अब फ्यूजी के पास तो कोई फुल फ्रेम कैमरा है नहीं, दे हैव अ APS-C फॉर्मेट और द मीडियम फॉर्मेट कैमराज, तो उन्हें अपने APS-C के अंदर ही एक ऐसा कैमरा अनाउंस करना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि भैया अपना APS-C तो बाकियों के फुल फ्रेम से कमतर है नहीं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक्सेस सीरीज को R5 के सामने, Alpha A1 के सामने या Z9 के सामने वीडियो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग खड़ा करना है कि भैया देख लो, जैसे हमने कहा था कि हमारा APS-C कहीं से कमतर नहीं फुल फ्रेम वालों से। तो ऑफकोर्स XH2 एक अपस्केल्ड इमेज प्रोसेसर, एक अपस्केल्ड बॉडी हीट मैकेनिज्म यूनिट, एक अपस्केल्ड इमेज सेंसर यूनिट के साथ आएगा, तभी ये सारी चीज़ें कैपेबल होगी और तभी वो 8K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। सो बहुत ही नॉर्मल सी बात है डेट आफ्टर XH2 वी मे हैव अ सोनी APS-C मिररलेस कैमरा विद 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी, आफ्टर दैट वी विल हैव ऑफकोर्स अ कैनन, एक यूजुअल सी बात है कैनन भी आगे आएंगे, और एट द एंड निकॉन भी आ जाएंगे हमारे सामने। सो लिटरली 2022 और 23 एक ऐसा साल रहेगा, आने वाला 22 और 23 ईयर, जिसमें हमें APS-C कैमरोज के अंदर, अपने APS-C मिररलेस कैमरोज के अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आते हुए दिखेगी। स्पेसिफिकली फ्यूजी उसमें सबसे पहला रहने वाला है अपने XH2 कैमरे के साथ। सो देर इज काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी ना। जो दूसरे सीड की हम बात कर ले, जो कहीं ना कहीं इस रूमर्स को धुरंधर तरीके से सपोर्ट करे, वो ये है कि कैनन के जो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ था डिजिटल फोटोग्राफी रिव्यू वेबसाइट में इसी जून महीने में अपने 2021 साल के। सो लिटरली उन्होंने भी ये एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जो कहीं ना कहीं हमने भी उसे कवर करा था, जून 28 को हमने उस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करा था अपने TNC वेबसाइट में।
उन्होंने ये कहा था कि कैनन इज वर्किंग ऑन 8K कॉम्पैक्ट सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर, मतलब 8K के कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है भैया, कैनन से हम क्या सॉल्यूशन की उम्मीद करें, कैमरा ही और क्या, 8K का प्रिंटर तो नहीं बनाएंगे। सो ये बातें आपको समझनी है कि उन्होंने खुद कहा है, कि दे आर वर्किंग ऑन इट। XH2 आ रहा है अपने ईयर इंडिया, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में अपीयर हो जाएगा ईयर इन तक, मुझे उम्मीद है दिसंबर तक एटलीस्ट हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है ये XH2 के बारे में। सो लिटरली ये आप माहौल समझ रहे हो कि जस्ट प्रोसेस का एक इनिशिएशन है, जहां पर हमें कई सारे 8K केपेबल APS-C मिररलेस कैमरे मिलने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो क्रेडिबिलिटी की जहां तक हम बात कर रहे थे कि भैया ये रूमर फुल क्रेडिबल है, भले उन्होंने तुक्का बिड़ाया हो, भले उन्होंने इंटरव्यू देखकर ये रूमर छापा हो या XH2 को देखकर अंदाज लगाया हो, बट हाँ ऐसा होने ही वाला है और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ये रूमर 100% सही है। सो हमने रूमर्स की सोर्सेस और सीड्स के बारे में तो बात कर लिया, बट ये आएगा किस फॉर्मेट के अंदर, क्या ये 7D Mark III रहेगा या कहीं ना कहीं USR7 रहेगा, एक 7D Mark III का मिररलेस फॉर्म या मिररलेस वेरिएंट हमारे सामने आएगा। देखो ये कहना बहुत ही बहुत मुश्किल है, और ऑफ कोर्स कैनन ने खुलेआम 2018 में कहा था, जैसे मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है, दे आर इनटू मिररलेस बोट नाउ, और उन्होंने कहीं ना कहीं DSLR की कैनिबलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी, और उनके मार्केटिंग एक्सपर्ट ने ये भी कह दिया था किसी एक इंटरव्यू में होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, दैट दे हैव स्टॉप्ड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ EF एंड EFS लेंसेज। उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दी है DSLRs की लेंसेज की। सो बातें अब ये है कि उनकी सारी फोकस मिररलेस कैमरे की डेवलपमेंट है, मिररलेस कैमरे की लेंसेज की डेवलपमेंट के ऊपर है, उनकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। सो किस फॉर्मेट के अंदर आएगा, मोस्ट लॉजिकली इससे वो तो ऑफकोर्स एक मिररलेस फॉर्मेट के अंदर ही मार्केट में लाएंगे, अगर लाएंगे तो। नाम क्या रहेगा, जैसे रूमर साइट कहते हैं कि अगर R7 आता है तो 7D Mark III कैमरे का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट होगा अपने R सीरीज के अंदर। सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2022 या 23 में हम एक ऐसा कैनन का यूस R7 कैमरा देख सकते हैं, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये होगा ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिक्शनल है, रूमर है इस वक्त, कि हमें एक ऐसा APS-C मिररलेस कैमरा मिले, और जो मिलना भी चाहिए अगर उन्हें एक फ्लैगशिप APS-C मिररलेस कैमरा बनाना है, XH2 को ध्यान में रख के बनाना है, या XH2 के आने वाले कंपेटिटर्स जो सोनी की तरफ से आएंगे और इवन कुछ एक दिन बाद निकॉन की तरफ से आएंगे, उन पर भी ध्यान रख के हमें बनाना है, तो ऑफकोर्स R7 एक ऐसा कैमरा रहना चाहिए हमारा जिसके अंदर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी हो। अनडाउटेबली ये होना ही होना चाहिए अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है और अपनी APS-C के कंज्यूमर बेस को बचाना है, या बचाना भी नहीं, कम से कम रीगेन करना है, क्योंकि कई सारे APS-C यूजर्स तो इधर उधर माइग्रेट कर ही चुके हैं अभी तक। तो ये सारी बातें हैं सोर्सेस को लेके, पॉसिबिलिटीज़ को लेके, और कहीं ना कहीं कब तक 8K हमारा APS-C मिररलेस कैमरा आ जाएगा उसको लेके। सो टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ऑफकोर्स कैनन एक बहुत ही वेल कैपेबल कंपनी है, दे ऑलरेडी वर्किंग ऑन सिनेमा कैमराज, तो उन्हें अगर मिररलेस के लिए एक स्टैंडर्ड रेशियो वाला सेंसर बनाना है तो उसकी रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं 45MP की रखनी पड़ेगी, जितने की हमारी R5 की है, तभी वो कैमरा कैपेबल रहेगा 8K वीडियोस को रिकॉर्ड करने का। सो लिटरली अगर समझ लो R7 आता है तो उसकी जो सेंसर रेजोल्यूशन है कहीं ना कहीं 40+ होगी, डेट इज समवेयर बिटवीन 40-45, और एग्जैक्टली आप समझ लो तो 44-45MP की रहेगी। तब जाके आपका जो कैमरा है अपने सेंसर के थ्रू एक 16:9 रेशियो की 8K वीडियो को वो बना सकेगा, रिकॉर्ड कर सकेगा। सो कैनन को क्या करना है कि कैनन को दो चीज़ें करनी है अगर उनको टेक्नोलॉजी को अपस्केल करके R7 उतारना है। एक तो अपनी इमेज प्रोसेसिंग पावर को थोड़ा सा अपस्केल कर देना है, जिसके लिए वो वेल कैपेबल है, वो आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो स्टैक BSI CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी जो R3 तक अभी लिमिटेड और कहीं ना कहीं R1 के लिए वो प्लान कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, उन्हें अब APS-C सेंसर के लिए लानी होगी, अगर वो 45MP की या 44MP की, नियर अबाउट 40MP की सेंसर अपने APS-C मिररलेस कैमरे में लाते हैं तब, और अगर उनसे उनको 8K वीडियो की आउटपुट निकालनी है तब, यानी कि अगर वो BSI स्टैक्ड CMOS सेंसर यूज़ कर लेते हैं, जो कि ऑफकोर्स अभी R5 भी नहीं यूज़ कर रहा है, एक तो इमेज सेंसर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, इससे आराम से 8K की हाई क्वालिटी वीडियो फाइल्स विद हायर बिट रेट्स वो निकाल सकते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट ओवर हीटिंग इश्यूज, और अगर प्रोसेसर सही रहा तो यूज़र्स को काफ़ी अच्छा 8K वीडियो आउटपुट मिल जाएगा अगर वो चाहें तो।
ऑलरेडी भी कैनन इज नोन फॉर इट्स रिस्ट्रिक्शंस, वो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे अपने R5 की सेल्स को बचाने के लिए, अपने R1 की सेल्स को बचाने के लिए। वी विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अगर इवन दो R7 आ भी जाता है तो, बट हाँ दे आर कैपेबल ऑफ इट, और चाहे तो आराम से ऐसी फैसिलिटीज अपने मिररलेस बॉडीज में भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, द रिसेंट टेक्नोलॉजी दे डू हैव इन देयर लैब। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैनन APS-C मिररलेस कैमरा विद 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूल जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे ही कुछ एक न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन कैमरा और लेंसेज से रिलेटेड यहाँ पर चैनल पर मैं पोस्ट करते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं करा, वी नीड योर लाइक्स, इट्स ऑल रिक्वायर्ड फॉर द YouTube algorithms एंड ऑल दैट स्टफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।